नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मित्र, आप देख रहे डेढ़ा। कुछ दिन पहले मैंने एक चार्जिंग टेस्ट किया था Realme 3 Pro को वूक चार्ज 3 जो इसके साथ आता है, और चार्जिंग रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रेसिव निकल गया है। स्पेशली एक से एक घंटा 15 मिनट के अंदर आपको लगभग 95% चार्ज हो जाता है आपका फ़ोन। मतलब उससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मतलब एक घंटे में आपको 80-85% चार्ज मिल जाएगा। लेकिन उस बार मैंने जब चार्जिंग टेस्ट किया था, तब मैंने स्विच ऑफ करके चार्जिंग टेस्ट किया था, और इस बार सबने मुझे रिक्वेस्ट किया था आप एक बार स्विच ऑन करके फ़ोन को इस्तेमाल करते करते चार्ज कीजिए, देखिए क्या होता है। और खाली यही नहीं, बहुत किसी ने मुझे पूछा था यहाँ पर अगर ओवरहीटिंग हो जाता है इस डिवाइस में, तब ओवरहीटिंग का कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। तो सभी चीज़ के लिए आज मैं ये वाला डिवाइस को, Realme 3 Pro को, आपको चार्ज करने वाला हूँ वूक चार्जर 3 से एकदम ऑन करके। तो चलिए स्टार्ट करते ये वाला वीडियो और आपको दिखाते हैं अगर आप कंटिन्यूस डिवाइस को इस्तेमाल करते करते चार्ज करते हैं तब चार्जिंग स्पीड कितना होता है, और मैं नॉर्मल स्पीड से और ये वाला स्पीड दोनों को आपको कंपेयर करके बताऊंगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगने लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लो यार, एकदम फ्री है, और घंटी भी दबा दो। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर Realme 3 Pro का अगर बैटरी आपको ड्रेन करना है, मतलब बहुत जल्दी अगर आप चाहते हैं तो बैटरी ड्रेन हो, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता है, तो मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है आपका, अगर आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तब मैंने देखा है सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता है। मतलब कैमरा इस्तेमाल करने के टाइम में बैटरी ड्रेन सबसे ज़्यादा होता है, ना ही आपका पबजी खेलने में, ना ही आपका डे टू डे ऑपरेशन में होता है, या फिर वीडियो प्लेबैक में होता है, जितना कैमरा आपको इस्तेमाल करने में होता है। अभी मैंने स्टार्ट किया था 1% से, और मैंने खेलना स्टार्ट किया पबजी, फुल ग्राफिक्स में खेलना स्टार्ट किया विदाउट एनी वॉल्यूम, और ब्राइटनेस एकदम टॉप पे रख के मैंने स्टार्ट किया पबजी। लगभग 16 मिनट हो गया था, 16 मिनट के बाद मैंने जब चेक किया तब चार्जिंग परसेंटेज था 18%, उसके बाद मैंने फिर से खेलना स्टार्ट कर दिया। लगभग 30 से 31 मिनट हो गया था, उसके बाद मैंने चेक किया तब चार्जिंग परसेंटेज था आपका 30%, तो वही आप पकड़ सकते हो पर मिनट 1% करके चार्ज ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद लगभग एक घंटा कंप्लीट हो गया, मैं कंटिन्यूसली पबजी खेल रहा था फुल ब्राइटनेस में, तब मैंने जब देखा तब खाली 38% हुआ था। मतलब जहां पर 31 मिनट्स में, मतलब आधा घंटे में हुआ था 30%, फिर बाकी आधा घंटे में हुआ मात्र 8%। तो यहां पर काफ़ी सरप्राइजिंग मुझे लगा कि यहां पर आपका चार्जिंग जो है काफ़ी स्लो हुआ था। उसके बाद मैंने यूट्यूब से लाइव वीडियो प्ले करना स्टार्ट किया फुल HD में विदाउट एनी साउंड फुल ब्राइटनेस में। लगभग एक घंटा YouTube में वीडियो प्लेबैक करने के बाद मैंने जब चेक किया तब परसेंटेज था 78%, तो दो घंटे में, मतलब 120 मिनट में यहाँ पर आपका परसेंटेज हुआ 78%। पहले घंटे में था 38%, सेकेंड घंटे में हुआ आपका 40%, टोटल हुआ 38%। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया आपका, एक्चुअली अभी तक अगर हीटिंग देखा जाए ठीक ठाक हीटिंग था, लेकिन फ़ोन थोड़ा गर्म हो गया था क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा था, 41-42 डिग्री के आसपास था। उसके बाद मैंने फ्रंट कैमरा ऑन करके फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, जब दो घंटा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। वीडियो रिकॉर्डिंग लगभग 14-15 मिनट हुआ नहीं कि यहाँ पर आपका एक नोटिस आ गया, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ गया कि ओवरहीटिंग हो रहा है, इसके वजह से अभी ये फोन और चार्ज नहीं होगा। तो तब मैंने जब चेक किया तब आपका परसेंटेज था 84%, और 84-85% के आसपास था, टेम्परेचर था अप्रॉक्सीमेटली 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड, और तब ये फ़ोन बोलने लगा कि आपको ओवरहीटिंग है, इसके वजह से अब ये चार्ज नहीं होगा, और फ़ोन लगभग काफ़ी गर्म हो गया था। तो 85% तक मैंने चार्ज किया 2 घंटा 15 मिनट, उसके बाद मैंने और चार्ज नहीं किया। तो आप सोच सकते हो नॉर्मल जब आप चार्ज करते हो तब एक घंटे में 85% आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस इस्तेमाल करते करते करके तब आपको 2 घंटा 15 मिनट लग गया 85% होने में। तो एक चीज़ तो जाहिर सी बात है, जब आप इस्तेमाल करते करते चार्ज करेंगे, जी हाँ, चार्जिंग स्पीड तो नो डाउट स्लो ही हो जाएगा नॉर्मल चार्जर की जैसे चार्ज करेगा, खाली यही नहीं फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि इस्तेमाल करते करते चार्ज करेंगे तब क्या होता है, तो ये ऐसा कुछ रिजल्ट्स मुझे मिला जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आपके पास Realme 3 Pro है तो आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आप ऐसा कुछ मतलब ऑब्जर्वेशन आपको हुआ है कि नहीं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने बताया आप लोगों से शेयर किया, और अगर आपको इसके इधर इसके बारे में भी अधिक जानकारी लेना है इसके अलावा, तो डेफिनेटली यू कैन राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। उसके साथ से देखें फॉलो मी ट्विटर फेसबुक एंड शूट ऑन इंस्टाग्राम, विच इज इंस्टाग्राम सर डेडो 15। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट डेडो, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।